आज कासे का भी डिफेंस टीम बच जाएगी। प्यार और हिम्मत, शांति और इंसाफ, सच्चाई और अच्छा बर्ताव, हर दिन एक अच्छा काम करना, चारों तरफ खुशियाँ बांटना। हम है कासे का भी की डिफेंस टीम। हाँ तो दोस्तों, हमारा आज का काम है गंदे पा की सफाई, तो चलो अब हम सब मिलकर शुरू करते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? मुझे ये काम पसंद नहीं है। ये काम ना ही मजेदार है और ना ही अच्छा है। नैनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, कौन है बोरिंग? ये पार्क बहुत गंदा है और हमारी जिम्मेदारी है इसे साफ करना। पार्क की सफाई करना कासू का भी डिफेंस ग्रुप का काम नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? बच्चों को खेलना पसंद होता है, ना कि काम करना। तो तुम ही बताओ नैनी, तुम क्या सोचती हो कि हमारी टीम का क्या काम होना चाहिए? मैं बताता हूँ, मुझे पता है। शिनचान, हमने तुमसे नहीं, नैनी से पूछा। मुझे पता है, मैं बताऊंगा। हमें एक्शन कामैन की तरह दुश्मनों का सामना करना चाहिए, समझ गए दोस्तों? मैं कितने अच्छे आइडियाज देता हूँ। चलो अब हमें अपनी मीटिंग शुरू करनी चाहिए। अब हम अपनी कासू का भी डिफेंस टीम की मीटिंग शुरू कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि आखिर हमें करना क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं। डिफेंस टीम की मैनेजर, जूस लाने में और कितनी देरी लगेगी? अभी लाती हूँ। मेरे हिसाब से हमें जो काम हम कर सकते हैं वही करना चाहिए, जैसे कि पार्क की सफाई करना। मैं ये काम नहीं करूँगी। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो नैनी? मैं कुछ क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ। जैसे हमारी टीम का नाम प्रिवेंशन टीम है, उस हिसाब से हमें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि सफाई। पार्क को साफ करना मतलब पार्क को गंदगी से बचाना है, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। पार्क तो बच्चों के लिए होता है और बच्चे बेखौफ पार्क में तभी खेल सकते हैं जब शहर में कोई चोर ना हो, कोई किडनैपर ना हो। इसलिए मैं उनसे फाइट करना चाहती हूँ, एक्शन कामैन की तरह। लेकिन हम प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो एक लड़के हो ना? हाँ मैं लड़का हूँ पर छोटा हूँ, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या प्यार से बात नहीं कर सकते? ये हमारी प्राइवेट मीटिंग है। ठीक है, मैं जाती हूँ। कज़ामा, हम कासू काबे की प्रिवेंशन टीम छोड़ रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। और तुम शिनचान, हम अपनी अलग प्रिवेंशन टीम बनाएंगे जिसमें होंगे मैं और शिनचान। समझ गया, मैं कासू काबे की डिफेंस टीम छोड़ रहा हूँ। बो मसाओ, तुम क्या कहते हो, क्या हम लोग भी अपनी एक अलग से डिफेंस टीम बना ले? कैसा आइडिया है? क्या? वैसे मैं तो मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, मैं अपनी नई अलग डिफेंस टीम बनाऊंगा। सब लोगों ने कज़ामा का साथ छोड़ दिया, सब अपना अपना डिफेंस ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। अगर ये बात है तो मैं अकेले ही अपनी पुरानी कासू काबे डिफेंस टीम को चलाऊंगा, मुझे इस काम में किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। अरे ये क्या, शिनचान भी? क्या कहा नैनी? हाँ तो तुम क्या कहते हो मसाओ? मैं अब सब लोग अपनी अपनी टीम बना रहे हैं, मैं भी अब अपनी टीम अलग से बनाऊंगा। मेरी टीम का नाम होगा कासू काबे डिफेंस टीम 2। कज़ामा और तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों नैनी? क्योंकि ये मेरे पुराने कासू काबे डिफेंस ग्रुप की सीक्रेट जगह है। नहीं, ये मेरी कासू काबे डिफेंस टीम की सीक्रेट जगह है, समझी? ये मेरी जगह है। नहीं, मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। मेरी जगह है। अरे ये मेरी जगह है। लेकिन ये तो मेरा घर है। ये सब गलत है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरा घर है। अरे हाँ, ये तो योशिनागा मैम का घर है। हाँ, इसलिए ये हम सबका घर है। बिल्कुल मैं गलत थी, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ? ये नहीं हो सकता, ये मेरी जगह है। तुम सब लोग एक मिनट के लिए शांत हो जाओ, अब बहुत हो चुका, ये सब कौन साफ करेगा बोलो? हमारी मैनेजर, मतलब कि आप। ये नहीं सुधरेंगे। अरे हम सब तो एक बात भूल ही गए कि ये किस डिफेंस टीम की मैनेजर बनेंगी। ये सिर्फ मेरे डिफेंस ग्रुप की मैनेजर है। ये तुम्हारी मैनेजर नहीं है, समझ गए नानी? ये मेरी टीम की मैनेजर बनेंगी। अच्छा तो सब लोग मेरी एक बात सुन लो, कल सब लोग अपना झगड़ा सुलझा के आना।
चलो झगड़ा तो खत्म हुआ। अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा।